नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया हिंदी में आप सभी का स्वागत है। क्रिकेट के मैदान पर कई बार कुछ ऐसा घटता है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा ही एक वाक्य 1997 के सहारा कप के दौरान घटा था, जब पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक इतने गुस्से में आ गए थे कि उन्होंने ना सिर्फ फैंस को पीटा था बल्कि घसीटते हुए स्टैंड से मैदान तक ले आए थे। इस घटना को लेकर 23 साल बाद वकार यूनिस ने कई खुलासे किए हैं। आज किस्सा क्रिकेट में हम उन्हीं खुलासों पर बात करेंगे। साल 1997 सहारा कप का दूसरा मैच टोरंटो में खेला जा रहा था। मुकाबलों के दौरान पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक अचानक गुस्से में आ गए और मैच देख रहे एक लड़के के पास पहुंच गए। उस मैच के दौरान इंजमाम को कुछ लोग आलू कहकर चिढ़ाने की कोशिश कर रहे थे, इसी वजह से इंजमाम गुस्से में आ गए थे। बाद में इसको लेकर खूब बातें हुई हैं। आज भी वो किस्सा पूर्व पाकिस्तानी और भारतीय खिलाड़ी सुना ही देते हैं, मगर इस किस्से के एक और पहलू को इंजमाम के साथी खिलाड़ी रहे वकार यूनिस ने सुनाया है। वकार ने इस किस्से को 23 साल बाद खुलासा किया कि इंजमाम खुद की वजह से नहीं बल्कि अजरुद्दीन की वजह से उस फैन को पीटने के लिए दौड़ पड़े थे। वकार ने इस घटना का जिक्र करते हुए कहा कि इंजमाम को गुस्सा तब आया जब एक फैन ने मोहम्मद अजरुद्दीन की पत्नी को लेकर अश्लील कमेंट्स किए थे। तब अजरुद्दीन टीम इंडिया के कप्तान थे। वकार के मुताबिक इंजमाम उस समय इतने गुस्से में आ गए थे कि भीड़ में घुसकर उस फैन को घसीटते हुए मैदान की ओर ले आए थे। भारतीय फैन के साथ इंजमाम की वो झड़क अभी तक लोगों को याद है, जब इंजमाम बैट लेकर उस फैन को मारने के लिए दौड़ पड़े थे। एक शो के दौरान वकार ने कहा, वहाँ कोई उसको आलू कहकर बुला रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति था जो अजहर की पत्नी के लिए अपशब्द कह रहा था। इंजमाम तो इंजमाम है, उन्हें यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, उन दिनों दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच ऑफ द फील्ड बहुत अच्छी दोस्ती हुआ करती थी, एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान भी था। उन्होंने कहा, इंजमाम को इसके लिए सजा झेलनी पड़ी थी। इंजी ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी और कोर्ट भी गए थे। अजहर को आगे आकर उस भारतीय फैन से बात करनी पड़ी थी। उन्होंने कोर्ट के बाहर ही मामले को सुलझा लिया था। वकार ने कहा, जो हुआ वो गलत हुआ था, लेकिन मैं आपको कह सकता हूँ कि कैसे दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच दोस्ती का माहौल था। 23 साल बाद वकार के इस खुलासे से इस मामले पर एक तरीके से एक नया मोड़ आ गया है। हम सभी यही जानते थे कि इंजमाम को आलू कहकर बुलाने की वजह से वो झगड़ा हुआ था, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि अजहर की पत्नी संगीता बिजलानी को लेकर कह रहे अपशब्द की वजह से ये सारा मामला हुआ था। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें वन इंडिया।